सैनिट कायमा कमेटी कानून ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इतफाक़ कर लिया कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेज और दीगर तफसलत तलब कर लीं वजारत क़ानून इंसाफ की तफसलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजे वही सत्रह हैं सैनेटर फौजिया अरशद ने कहा अभी भी चार एडहॉक जजेस की तजवीज आई जजेस की

मई को इस मुल्क में गदर मचाया था पूरी कौम जानती है आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं तो किसी सूरत भी मादरे वतन के खिलाफ मासूम लोगों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तो किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे आ, हालिया दिनों में दहशत गर्दी में बेपना इजाफा हुआ है हमारे जो अजीम सपूत हैं कौम के पाकिस्तानी फ़ौज में पुलिस में सिविल आर्म में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है दहशतगर्दी का ये जो लहर है ये इंतहाई काबिल अफसोस है इसमें कुछ हम मालिक का इसमें किरदार है उनके साथ हमारी पूरी इंट्रैक्शन है उनको हमने बरादरना तौर पर समझाया है बताया है यहाँ पर जो टी डी पी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरीों को निशाना बनाए हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें इस ख़ते में अमन होगा तो तरक्की होगी इनती से पाकिस्तान के बाद खानों पर हमले किए गए हैं अपने खानों को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है मुदलका ममालिक सफीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाजल में कहना चाहिए कि हमारे सफारतखारों को उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है फॉर्म सैंतालीस और पैसे के ज़ोर पर आए लोगों से पुरान एहत के ज़रिए निजात हासिल करेंगे असद कैसर बोले जुमे के दिन पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज होगा के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आयन से वफादारी है महमूद खान अजगजई कहते हैं जमहूरीत के लिए हर फॉरम पर जाएंगे हमारा इतिहाद इदारों पर तनकीद करने के लिए नहीं आयन और कानून की बाला दस्ती के लिए है लतीफ़ खोसा ने कहा अपोजिशन इतिहाद आजाद अदलिया के साथ खड़ा है अलाम नासिर अब्बास ने कहा बार बार फेल होने वालों को दोबारा हुकूमत दे दी जाती है महंगाई बेरोजगारी और जुल्म के खिलाफ निकलना होगा आप की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और आप इसको कतल नहीं दबा सकते आर्टिकल सिक्स किसी का बाप भी नहीं लगा सकता हमारे चेयरमैन इमरान ख़ान के पास जो नए मुकदमा उनके उनके लिए बनाए जा रहे हैं और छोटी छोटी उनकी बातों को हाइप क्रिएट की जा रही है कि खान साहब ने इतराफ़ कर लिया जी नो मे का अतराफ़ कर लिया खान साहब ने जी एच क्यू का अतराफ़ कर लिया इस किस्म की लघु बातें करके एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है ये गुजरा वाला में एक वाक़ हुआ है कल दो भाइयों में से एक भाई ने एक भाई को बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया है तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ गए ये टिक टॉक्कर चीफ मिनिस्टर उसकी जवाब दे कौन होंगे आप हैं इस वक्त आप फेल हो चुकी हैं आप इस सूबे की हकूमत करने के काबिल नहीं रहीं वेलकम बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं सुबाई वजीर से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं मखसूस नशस्तों पर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का हक बनता है रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी और मजिली में होगा पीटीआई को अपना तर्जिस करना होगा इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई कोशरूत हिमायत का पैगाम भेजा था इनकार पर नून लीग के साथ हमने इतिहाद के लिए कड़वा घूंढ भरा बानी पीटीआई ने कभी भी एतराफ़ नहीं किया की कि जी एच क्यू पर एहतजाज के लिए मैंने कहा था जरताज गुल कहती है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर फॉरम पर आवाज उठाएंगे शिकस्त खा चुकी हुकूमत में, में नहीं जा सकते नाल हर फोरम और... एक्सरसाइज करके हां सब की रिहाई के लिए बुशा बीबी के लिए एक तो ये जहनी तौर पर हमसे शिकस्त खा चुके खुद ये बीस बंदों में बगैर प्रोटोकॉल के बगैर सिक्योरिटी के हल्कों में नहीं जा सकते सीटों वाली जमात को जबरदस्ती पच्चीस करोड़ अवाम और एक 180 सीटों वाली पीटीआई को पर मुसलत करना चाहते हैं पंजाब की सीनियर वजीर मरियम ने कहा है कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि तकों और इंतजार पसंदों का टोला है इत्यादियों की से सलामती की तनसीब पर हमला करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे अदालतों को यकी बनाना होगा की कौमी मुजरिमों को सजा मिले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब का कहना था दो हजार अठारह में आर टी एस बिठा जिस शख्स को मुसलत किया गया इसने एक साजिश के तहत सिक्योरिटी फोर्स का इजलास हुआ में पी टी पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया गया जरा पाबंदी के, के हवाले से पीपल्स पार्टी और इत्यादी जमातों से पहले मुशावरत की जाएगी और इसके बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा जस्टिस सतर मिन्ला ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 अप्रैल की रात को अदालत खोलने की वजह बता दी कहा कि मार्शल लगाने की बातें की जा रही थी और जब ऐसी सूरत हाल हो तो तमाम अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए काश उस वक्त रात को अदालतें खुल जाती जब हक ने मार्शल ला लगाया जब मुशरफ ने मार्शल ला लगाया तो अदालतें खुलनी चाहिए थी एवरी टाइम इज अ थ्रेट ऑफ मार्शल लॉ द कोर्ट्स रिमेन ओपन I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनमा वजीर अला पंजाब के खिलाफ भट पड़े लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के सिलसिले में प्रेसिडेंट डे मनाने पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज रात 10 बजे मीनार पाकिस्तान के सामने प्रेसिडेंट डे केक काटने और गिरफ़्तारियां देने का ऐलान रहनमां पीपल्स पार्टी फैसल मीर कहते हैं आज से भली जरदारी लाहौर आए तो वजरा एयरपोर्ट नहीं गई मरियम नवाज़ वो रवैया अपनाए हुए हैं जो नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टों से अपनाया मुस्लिम लीग नून की फस्दायत अभी भी खत्म नहीं हुई मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियों की वजह से बेरोज़गारी और महंगाई है और बदनाम पीपल्स पार्टी भी हो रही है आई पी पीज़ कौमी सलामती के लिए ख़तरा है मुतहदा कौमी मूवमेंट ने आई पी पीस के खिलाफ सिंध इसम्बली में करारदा जमा करवा दी सिंध इसम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और नजम मिर्ज़ा की जानब से करारदादा जमा कराई गई करारदादादा में कहा गया है अगर कैपेसिटी चार्जेस के मद में अदायगियाँ होती रहीं तो यह पाकिस्तान की बका का मसला बन जाएगा करारदाद के मुताबिक सनती और घरेलू बिजली सार्फी के लिए फी यूनटीमत नाकबले बर्दाश्त हो चुकी आई पी पीज़ के साथ माजी में होने वाले गलत माहदों की वजह से शहरीों के लिए बिजली के नाजायज भारी भेल नामुमकिन हो गए हैं और इस हवाले से मुताबा किया है कि आईपीपी के साथ होने वाले मुआदों पर नजरसानी की जाए वजीराजम के मुशीर सबक विफाक वजी दाखिला राना सनावला कहते हैं हमारी हुकूमत की खाश है और कोशिश है तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें बानी पीटीआई को सोच समझ कर और बिल्कुल जमहूरी नहीं है वो आज भी आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं फ्रांस में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनावला ने कहा कि जर्मनी में कॉन्सुलेट पर हमले में तहरीक इंतजार के मुलविस होने के बारे में तहकीकत कर रहे हैं बानी पीटीआई ने दो हजार तेरह से इंतजार फैलाने की पॉलिसी बना रखी है इसकी हर दफा कोशिश होती है कि हनरेज होलाशे हो लाशें गिरे ताकि इसकी सियासत चमक सके बानी पिटाई को मुल्क डीरेल करने के लिए लॉन्च किया गया इसने अपने लाने वालों को भी नहीं छोड़ा हमने नाजायज मुकदमा भुगते मगर हमने तो फौज पर हमले नहीं कराए वेलकम बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं कौमी असम्बली सेक्रेटेरियट के मुताद मुलाजमीन का गैर कानूनी और गैर जिम्मेदारा मामला में होने का सरकारी तक के अकाउंट की तफसी को अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स के नंबर भी जमा कराने की हिदायत रिटायर्ड मुलाजमी को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए ऑफिस सेक्रेटरी से इजाजत लेना होगी सुप्रीम कोर्ट ने सानी नजर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करार दिया गया है कि मजहबी आजादी को बुनियादी आयनी हक कानून अमन और इखलाक के ताबे है पंजाब हुकूमत की नजर षानी दरख्वास मंजूर की जाती है तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि खत्म नबूत पर मुकम्मल गैर मशहूत ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है आयन पाकिस्तान में भी खत्म नबूत पर ईमान को मुसलमान की तारीफ का लाजमी जुज्व कहा गया खुद को अहमदी कहने वालों से मुतल मुजीबुरहमान और जहिरुद्दीन केस के फैसले मौजूद हैं इस अदालत ने छः फरवरी दो हज़ार चौबीस के ऑर्डर में इन सबका नजीरों से इहराफ नहीं किया